एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिज लाइव सक्षम एवं संभव। और मैं आप लोगों के साथ दूसरे मायके का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ नीचे और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, क्योंकि धूप यहाँ 1 फरवरी से बहुत अच्छा जो है आ रहा है। उसके पहले तो बहुत सर्दियाँ पड़ रही थी, बहुत सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अब 1 फरवरी से थोड़ा धूप निकलने लगा है। अब जैसा लगता है गर्मी का दिन आ गया है। तो बस जस्ट अभी नहा कर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मटर वटर छील कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं निमोना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि निमोने का तो आजकल बाहर ही है। सर्दियों में निमोना हम लोग के यहाँ यूपी साइड बहुत बनता है यूपी में। तो बस ये देखिए किचन का पूरा मैसी हो रखा हुआ है पूरा सामान। तो कोई यहाँ पे अभी साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, ज्यों का त्यों सामान पड़ा हुआ है। तो वही छोटा वाला भाई जो है अपना खाना वाना बनाते रहते हैं, तो ये सब पूरा फैला रखे हैं। क्योंकि औरतें जितने अच्छे से कर लेती हैं मैनेज सामान को, उतने अच्छे से जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं। और मम्मी करती थी काम, छोटी मम्मी, लेकिन 2-3 महीने से बिस्तर पर पड़ी हैं, क्योंकि उनका पैर टूट गया है। तो अभी उनको टाइम लगेगा उठने में। तो मैं आई हूँ, तो रहूँगी एक हफ्ता रहूँगी। तो मैं जब तक आई हूँ मैं काम कर लेती हूँ। तो मुझे तो ना मायके में सुख है ना ससुराल में, दोनों जगह मुझे काम ही काम करना पड़ता है। वैसे सही है, मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बैठती नहीं हूँ, मैं किसी के साथ भी काम वाम करवा लेती हूँ, कुछ भी काम हो। और ये है घर का चूड़ा। तो घर का चूड़ा थोड़ा सा ये ब्राउन रहता है इसको धुलने पर, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना चूड़ा ख़रीदा नहीं जाता, घर पे कुटवाया जाता है। यहाँ यूपी के साइड में चावल बहुत पाए जाते हैं, चावल मतलब बहुत उगाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग के यहाँ घर का ही चूड़ा होता है, बाहर का कभी ख़रीदा ही नहीं जाता है। और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो और मतलब 50-60 किलो के करीब कुटवाया जाता है चूड़ा, जो मशीन में मतलब होता है। तो सबको बांटा जाता है, क्योंकि खिचड़ी पे यहाँ पे सबको दिया जाता है। तो और यहाँ पे मैं सिल पर पीस रही हूँ मसाला, क्योंकि मिक्सी का मसाला चटनी मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है। और यहाँ पे सिल बट्टे पे ही पीसते हैं। वैसे तो मम्मी पीसती थी मटर, क्योंकि उनको आदत है, पीस लेती हैं, और मेरी आदत नहीं है, मैंने कभी पीसा नहीं है मटर मसाला, ये सब मैंने कभी नहीं पीसा है। लेकिन आज मम्मी का पैर ठीक नहीं है तो मुझे पीसना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने कभी भी नहीं पीसा था मतलब सिल बट्टे पे मसाला। और आसान रहता है, मतलब मिक्सी आसान रहता है अपना चला दो, लेकिन टेस्ट तो अच्छा नहीं आता। टेस्ट तो सिलबट्टे का ही अच्छा आता है, लेकिन गांव में तो आप लोगों को पता है कि देसी चीज़ जो है ज़्यादा यूज की जाती है, चाहे वो मेहनत का ही क्यों ना हो। जैसे सिलबट्टा यूज किया जाता है और चूल्हा यूज किया जाता है। अब आजकल कहाँ यूज करते हैं लोग, अब तो बस आराम से जल्दी से बनाया खाया बस हो गया। तो बस यहाँ पे मैं निमोना मटर का निमोना बना रही हूँ। और इस समय निमोना का बहार आया है, क्योंकि सर्दियों में ही निमोने का ही मज़ा कुछ और ही होता है, अलग होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और किसी मौसम में आपको अच्छा नहीं लगेगा जितना सर्दियों में निमोना अच्छा लगता है। इसलिए सर्दियों में हम लोग के यहाँ ज़्यादा बनता है, हम लोग के यहाँ मतलब यूपी साइड बनता ही है निमोना, सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस और एक दिन मैं अपना बाथरूम पूरा साफ़ करूँगी, बहुत गंदा हो रखा, क्योंकि वाइट है टाइल्स तो बहुत गंदा है। अब ये लोग जो है इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, सफाई इतना नहीं कर पाते हैं, तो जो है पूरा हम ही को करना पड़ेगा। वैसे सर्दी चल रही है तो सर्दी में झाड़ू पोछा लगवाते नहीं हैं मम्मी, क्योंकि कहते हैं सर्दियों में बहुत ठंडा लगता है। गर्मी आ जाएगा तो गर्मी में झाड़ू पोछा ये सब मतलब करवाएँगी, लेकिन अभी नहीं करवा रही हैं। बस बर्तन मांजने वाली आती हैं, बाकी झाड़ू पोछा जहाँ थोड़ा गर्म मौसम हो जाता है तब करवाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पे मैं सारे कपड़े को डाल दे रही हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जैसे गर्मी का मौसम लगता है, जैसे आलस भरा दिन लगता है जैसे। तो अब ये आ गई हैं बर्तन मांजने, तो बहुत दूर से आती हैं बेचारी, बहुत एजेड हो गई हैं, लेकिन तब भी बहुत दूर से आती हैं बर्तन मांजने। और आ जाती हैं सुबह जो है टाइम से आ जाती हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आ जाती हैं। और मुझे मतलब देखो एक
क्या है कि गांव के लोग कितने मतलब मेहनती होते हैं, और जो औरतें होती हैं इतना एजेड एजेड औरतें कितनी मेहनती होती है। हम लोग 30 उम्र में जो है हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते। और ये थी जो मेरी दादी बैठी थी, ये दादी है मेरी, 100 साल की हो गई है, अभी पी रही है चाय। तो बस, और ये मतलब 100 साल की हो गई है लेकिन अपने पैर के बल पे चल लेती हैं, वॉशरूम चली जाती हैं, नहा भी लेती हैं, खाना भी खा लेती हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक का चश्मा भी नहीं इनको लगा हुआ है। पेपर वेपर दे दो तो बड़े मन से पढ़ लेती हैं, इतना मतलब इनको दिखता है 100 साल की उम्र में इतने मन से जो है पढ़ती हैं पेपर। कोई भी भागवत गीता दे दो, रामायण दे दो तो बहुत मन से पढ़ती हैं, क्योंकि पहले की औरतें बहुत इन सब चीज़ों पे मतलब पढ़ाई भी पढ़ती थी, बहुत ध्यान भी देती थी, काम वाम करने के बाद रामायण गीता उत्ता पढ़ने बैठ जाती थी। तो अभी भी चश्मा टेस्ट नहीं हुआ है, और बस यहाँ पे बन रही है शाम वाली चाय। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है यूपी में, कि किसी भी कोई टाइम आ जाए, मतलब कोई भी किसी टाइम आ जाए तो बस चाय बना दो, चाहे वो खाना खाने के ही टाइम पे क्यों ना आया हो। तो यहाँ पे चाय, एक आदमी आ गया तो चाय, 10 आदमी आ गए तो चाय चाय चाय, मतलब मन भर जाता है चाय बनाते। तो यहाँ पर जो है बाहर जैसे 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे पानी पिए चाहे ना पिए, लेकिन चाय उनको ज़रूर चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैं चाय, शाम वाली चाय बना रही थी, और अभी मैं 1-2 राउंड भेज चुकी हूँ चाय, अभी लास्ट राउंड भेज रही हूँ। चाय मतलब बहुत शौकीन है यहाँ के लोग। और बस यहाँ पे मैं, और गिलास में हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि मम्मी की आदत थी कभी चीनी मिट्टी के कप में चाय नहीं पीती हैं, वो मतलब स्टील के गिलास में ही चाय पीती थी। सभी लोग पीते, मेरी आजी वजी सभी लोग पीते हैं, स्टील के बर्तनों में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ रात का खाना। तो यहाँ पे मैं सिवई को भून रही हूँ, और तो ये मोटा वाला सिवई है, ये मुझे बहुत कम पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन छोटे पापा का मन था खाने का तो हम कह लाओ बना दे। वैसे पापा पर बनाते रहते हैं अपने हाथ से खाना, तो सिंपल सा दाल चावल रोटी सब्जी यही बना लेते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग को इतना मतलब शौक भी नहीं होता है खाना बनाने का, जो भी बन जाता है वही सही है। तो अब हम लोग जब से आए हुए हैं तब से कुछ ना कुछ नया नया बना रहे हैं, कि चलो कम से कम 1 हफ्ता रहे, 1-1.5 हफ्ता बना कर खिला दे, क्योंकि मम्मी तो अभी कर नहीं सकती हैं, अभी 2-3 महीने 4 महीने हो गए उनको, मतलब चारपाई पे पड़े हुए। तो मैं जब से आई हूँ कुछ ना कुछ नया आइटम बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी मेरी बन गई है, सिवई भी बन गया, और यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि खाने के, और यहाँ पे बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं हम लोग के साइड, बहुत ज़्यादा मतलब लेट हुआ तो 9:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह हम लोग के यहाँ सुबह 4 बजे भोर में हर हाल में सब लोग उठ जाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बच्चे तक भी उठ के जाते हैं सुबह सुबह, मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं, तो हम लोग की इसे आदत हो गई है। तो यहाँ पे टाइम से सोना टाइम से उठना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे शहरों जैसा ये नहीं है कि जब मन करे तब उठो। तो बस ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर ये देखिए हमारे घर की पूड़ी, ये कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है, इसका स्वाद अजीबो सा है। ये निकलती हुई पूड़ी मुंह में जाती है तो गर्म लगती है, और रखी हुई पूड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, यही खासियत है। लेकिन ठंडे में गरम गरम पूरी खाना चाहिए। ये देखो ये आटा है, ये पूड़ी है, कितनी अच्छी पूड़ी है, एकदम गोल पूड़ी, और ये एक लकड़ी के डंडे से बेला जाता है। कांच के पास बेलना था, ये नाना को देखे, ये नाना बेलन, ये क्या गजब की बोलता है ना, कि आज मतलब इसको मनुष्य खाते हैं, जानवर इंसान खाते हैं।
ये असल में ये पूरी जो है उन लोगों के लिए होती है प्रतापगढ़ में जो खास स्पेशल लोग आते हैं। माई का मंदिर है, आप लोग सुने होंगे, जिसको जिसको पता होगा जो यूपी में रहते हैं, बेल्हा माई का बहुत फेमस मंदिर है। तो मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी, और यहाँ पे भवानी माता का भी मंदिर है, तो मुझे टाइम लगा तो आप लोगों को दर्शन कराऊंगी, और मैं मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।